हाय दोस्तों, आज हम आलू के पराठे बनाएंगे जो कि बच्चे भी आराम से बना सकेंगे। जिन्हें आलू के पराठे भर के बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो ये बिना भरे बनाएंगे तो ये बच्चे भी आराम से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 उबले हुए आलू, एक बड़ा साइज का प्याज है, एक हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहते हो तो इन्हें हटा सकते हो। अब इन्हें हमें बारीक करना है, तो मैंने चॉपर लिया है, इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप कद्दूकस भी कर सकते हो। अगर आपको ये चाहिए तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। देखिए कितने बारीक हो गए इसमें। अब इसी में हम आलू भी डाल देंगे, ये भी बारीक हो जाएंगे। आप कद्दूकस भी कर सकते हो इन्हें भी। देखिए सभी चीज़ बारीक हो गई है। मैंने पहले 1 कप गेहूं का आटा लिया है, अगर जरूरत होगी तो और ले लेंगे हम। और ये मिश्रण को इसमें डाल देंगे। मैंने आलू प्याज का मिश्रण डाल लिया है। अब इसमें मसाले डालेंगे। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची, अगर आपके पास ये मोटी नहीं हो तो आप बारीक भी डाल सकते हो। 1 चम्मच करीबन डाल देंगे, अगर आपको कम पसंद हो तो आप कम भी कर सकते हो। 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। आधे चम्मच गरम मसाला, आधे चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। और ये मैंने 25 से 30 करी पत्ते लिए हैं, इन्हें धो के साफ कर लिए हैं और बारीक काट लिया है। आज इसमें धनिया कसूरी मेथी नहीं डालेंगे, हम डालेंगे इसमें करी पत्ते। इससे आलू के पराठे का टेस्ट और भी दोगुना हो जाएगा। और अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी हमने इसमें 1 कप गेहूं का आटा डाला है, अगर जरूरत होगी तो और डालेंगे। इसमें 1 कप गेहूं का आटा लगा है। अब हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। 1 चम्मच करीबन लिया है मैंने, और इसके ऊपर इस तरह से डाल के इसे मसल लेंगे। अब या तो इसके तुरंत पराठे भी बना सकते हैं, और इसे 5 से 10 मिनट रेस्ट करने के लिए भी रख सकते हैं। जैसे आपके पास समय हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। मैं इसके तुरंत पराठे बना के तैयार करूंगी। अब हम इसमें से लोया तैयार करेंगे। आप इन्हें छोटे मोटे पतले जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें से बना सकते हो। मैं इस साइज का बनाऊंगी। सूखा आटा लगा लेंगे क्योंकि आलू पानी छोड़ता है, तो इसमें सूखा आटा तो लगेगा ही। अब सूखा आटा लगा के इसे हम बेल लेंगे। हल्के हल्के हाथों से बेलें, एक बार फिर लगाएंगे। इन्हें आप तिकोन भी बना सकते हो और गोल भी बना सकते हो, जो आपको पसंद हो वो आप बना सकते हैं। अब मैं इसे इतना ही मोटा रखूंगी, आप पतला भी कर सकते हो इसे। तवा गर्म कर लिया है, अब इसे तवे पर डाल देंगे और मीडियम आंच कर देंगे और इसे नीचे से सिकने देंगे। इसी तरह सभी बेल के तैयार कर लेंगे। इसमें करीबन 6 से 7 परांठे बन के तैयार हो जाएंगे। अभी नीचे से हल्का सा सीख गए, अब इसे हम पलट लेंगे। वैसे तो भरवा परांठे आलू के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन इस कुछ नया करने के लिए हम इस तरह से भी परांठे बना के तैयार कर सकते हैं। अब इसे नीचे से हल्का सा सीखने देंगे। अभी नीचे से इस तरह से सीख जाए, तब ऊपर हम घी, ऑयल, बटर जो भी आपको पसंद हो वो आप लगा लें। मैं घी लगा रही हूँ। और अगर आप घी, तेल, बटर कुछ भी नहीं खाना चाहते हो तो आप जो मैंने घी लगाया वो नहीं लगाया, और इस तरह से फुला ले और इसे चपाती भी बना सकते हैं। भाई कई लोग घी ऑयल नहीं खाते हैं तो वो इस तरह से भी खा सकते हैं। अब ऊपर भी घी लगा लेंगे।
इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, कैसा लग रहा है कि बस मैं तो अभी खा ही लूँ। जहाँ से हवा निकल रही है वहाँ से इस तरह से दबा देंगे और चेक कर लेंगे इसे नीचे से। अब गैस फुल कर दूंगी मैं और इसे उलट पुलट करते हुए सेक लेंगे, जितना करारा चाहिए आप उतना सेक लें। ये पराठा सिक गया है, इसी तरह सभी पराठे सेक के तैयार कर लेंगे। ये हमारे आलू और प्याज के पराठे बनके तैयार हो गए हैं। अब इसे हरी चटनी टोमेटो केचप से खाइए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।